नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और हम उन्हीं के घर पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस गोगोई कभी टीवी पर किसी को इंटरव्यू नहीं देते, प्रेस से मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बुक लिखी है जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। और इस बुक पर बात करने के लिए हमें ये मौका मिला कि हम जस्टिस गोगोई के साथ आज ये इंटरेक्शन कर सकें। सो थैंक यू सो मच जस्टिस गोगोई फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू एंड नमस्कार टू योर व्यूअर्स। आप 18 साल तक माय लॉर्ड रहे और माय लॉर्ड से मिस्टर गोगोई की ये जो जर्नी है, नाउ टुडे पीपल कैन कॉल यू मिस्टर गोगोई, जस्टिस गोगोई, एमपी गोगोई, सो ये जर्नी कैसी रही? ये सवाल मुझे पहले बार कोई जर्नलिस्ट ने पूछा। जैसे सुधीर जी ने बताया कि मैं टीवी में कम आता हूँ, लेकिन ये किताब लिखने के बाद मैंने 2-3 टीवी इंटरव्यू दिए जी। उसका कारण है कि मैंने किताब पब्लिक डोमेन में लाया, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाया और बहुतों का बहुत सवाल प्रश्न हो सकता है, इसीलिए आपके माध्यम से ये सवालों का उत्तर देना मेरा फर्ज है। लेकिन कई इंटरव्यूज में शुरू करते हैं अयोध्या, रफेल, सेक्सुअल हरेसमेंट, राज्यसभा। आप हैं पहले जर्नलिस्ट, फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने कहा कि आपके जिंदगी के दौर कैसा रहा। I am very thankful for the question. Thank you, sir. Because we want to know you better. और एक माय लॉर्ड से जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो भी एक ट्रांजिशन होगा जो आपको भी महसूस हुआ होगा। मेरे किताब में ब्लैक बैक साइड फ्लैप में लिखा है, सुधीर जी यहाँ लिखा है कि ये जी बैक साइड फ्लैप, यस, एसेंशियली फैमिली मैन, बिल्कुल, समथिंग अबाउट वांटिंग टू कीप, हु हैज ऑलवेज केप्ट अ लो प्रोफाइल, अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, बट टुडे यू आर इन द लाइमलाइट। आई एम इन द लाइमलाइट, सिर्फ माय लॉर्ड कहने से कुछ नहीं बनता है। हमने 18-19 साल के माय लॉर्ड के टेन्योर में बहुत ही सिंपल फैमिली लाइफ ली और अभी माय लॉर्ड हट जाने पे मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं है जाके लोगों को मिलना, पब्लिक में शामिल होना, मीटिंग्स में भाषण देना, मुझे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई लाइक इट बिकॉज मैं लोगों के बीच में फ्रीली जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, लाइफ का एक दूसरा दौर है विच इज डिफरेंट बट इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली गुड एंड इक्वली इंटरेस्टिंग। सो डू यू फील लिबरेटेड इन दिस पोस्ट माय लॉर्ड एरा? नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये कोई लिबरेटेड फीलिंग का बात नहीं है। लिबरेटेड तो हम हमेशा थे, जज भी थे, जब थे तब भी लिबरेटेड थे, अभी भी फ्री है, इंडिपेंडेंट है, बहुत ही, वैसे कुछ खास डिफिकल्टी या चेंज मैंने महसूस नहीं किया जी। आज ये बुक मेरे पास है आपकी, जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है, इसका टाइटल आपने दिया जस्टिस फॉर द जज। अब जज तो पूरे जीवन लोगों को जस्टिस देता है, आपने जीवन भर लोगों को न्याय दिया और आज ऐसा इस बुक के टाइटल से लगता है कि जज ही शायद न्याय मांग रहा है। नहीं, नहीं, कोई न्याय नहीं मांगा गया है। ये किताब में ये डिस्क्रिप्शन से, किताब के से, ये किताब के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए कि अपने जजेस को थोड़ा
दूसरे ढंग से देखो, डोंट जज योर जजेस एज यू जज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ पॉलिटिशियन. ये जज का पोजीशन थोड़ा अलग होता है. जज के कुर्सी में जो बैठते हैं उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, वो बोलते नहीं हैं. आप एक जज को जितने भी क्रिटिसाइज करे जाओ, उनके जजमेंट्स पे जितना भी आप उछालो, किचड़ उछालो, वो बोलता नहीं है, वो रिप्लाई नहीं देता है. लेकिन एक पॉलिटिशियन वो नहीं करते, वो रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फोरम में रिप्लाई देते हैं. तो ये जो जजेस साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, इसके मतलब वो जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है. इसका आप, इसके आप फायदा मत लो. ये डोंट टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस कि आप कुछ भी बोले जाओ, भूले जाओ, क्योंकि आप इसको अगर प्रॉपरली आप सही ढंग से नहीं देखोगे तो आप जज को तो हार्म कर ही रहे हो इंडिविजुअली, आप एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियरी को आप हार्म कर रहे हो. ये मैसेज है इस किताब का. तो मैं एक नया सवाल बीच में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा कहा. आपको अपने इस पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा लगा, क्योंकि प्रेस में, अखबार में आपके बारे में भी, आपकी जजमेंट्स के बारे में भी छपता होगा, कभी अच्छा और कभी ख़राब, ज़्यादातर ख़राब बिकॉज मीडिया का नेचर है नेगेटिव पॉइंट्स को पहले पकड़ना, कभी आपको ऐसा लगा कि कभी आपको यू आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट यू नो स्पीकिंग आउट, या आपको लगा हो कि घुटन हो रही है बिकॉज यू वॉन्ट टू से समथिंग वट पीपल आर परसीविंग अबाउट योर जजमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो आपको करना नहीं, उचित नहीं है, और आप जो करना नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचना भी गलत है. आपका जजमेंट आते हैं, क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म इज हेल्दी. जजमेंट का क्रिटिसिज्म इज हेल्दी, इट हेल्प्स जजेस टू ग्रो. किस जजमेंट में क्या कमी रह गया ये जानना जरूरी है. दैट इज हाउ जजेस ग्रो. लेकिन आज मीडिया में जो हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है ऑन द जजेस कि फलाना जज ने फलाना जजमेंट दिया फॉर दिस एक्सट्रेनियस रीजन. ये गलत है. डोंट क्रिटिसाइज द जज, क्रिटिसाइज द जजमेंट. ये फर्क है दोनों में. इफ यू क्रिटिसाइज द जजमेंट तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है. इफ यू क्रिटिसाइज द जज देन ये सिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव है. जस्टिस गोगोई, जजेस जो हैं आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद, सुधीर जी आपने कहा कि मैं मिस्टर गोगोई बन गया और आप हमें जस्टिस गोगोई कह रहे हैं, ये क्यों? देखिए 18 साल की आदत आपको कितना मुश्किल होता है, हमें तो कोई मुश्किल नहीं है. आप हमें गोगोई बुलाओ, हमारे फर्स्ट नेम से बुलाओ, हमें जस्टिस बुलाओ, हमें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो लॉन्ग यू कैन आइडेंटिफाई मी, आई एम कम्फर्टेबल. तो नाउ आई एम फीलिंग लिबरेटेड एक्चुअली. तो रंजन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जजेस आमतौर पर बाद में बुक्स भी नहीं लिखा करते हैं, लेकिन आपने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया. व्हाट मेड यू टेक दिस डिसीजन कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और मैं अपनी कहानी लोगों को बताना चाहता हूँ? सुधीर जी, मेरे कार्यकाल में जी कई मुद्दे पे इंक्लूडिंग जजमेंट्स बहुत चर्चा हुआ. अच्छा. और ये चर्चा इज अकॉर्डिंग टू मी बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ्स, इनकरेक्ट फैक्ट्स. ये किताब किन के लिए है? जिनको करेक्ट फैक्ट्स जानने का इच्छा है. जो लोग करेक्ट फैक्ट्स ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू देम, पीपल हु थिंक दे नो द करेक्ट फैक्ट्स इवन विदाउट हियरिंग माय वर्जन, दिस बुक इज नॉट मेंट फॉर देम. ये किताब इज फॉर देम एंड विच इज द वास्ट मेजॉरिटी, द साइलेंट मेजॉरिटी हु वॉन्ट टू नो द करेक्ट फैक्ट्स. तो ये किताब उनके लिए लिखा हुआ है. जी, आपने अपने करियर में न जाने कितनी जजमेंट्स दी होंगी, लंबी लंबी जजमेंट्स लिखी होंगी, लेकिन जजमेंट लिखने में और किताब लिखने में फ़र्क है. और ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा? जजमेंट के बाद ये किताब लिखना कैसा अनुभव था आपका? एंड कुड यू मेक इट वेरी यू नो रीडर फ्रेंडली? आई डोंट नो वेदर
मैंने किताब को रीडर फ्रेंडली बना सका कि नहीं, वो मेरा प्रयास था और मेरा कोशिश था। लेकिन मेरे किताब का लास्ट लाइन आप देखिए जी, किताब का लास्ट लाइन पेज 208, द लास्ट सेंटेंस 218 पेज में, 218 हाँ। और मैं आपको निकाल दूंगा जी, आई विल हेल्प यू। मैंने उसको आई थिंक मार्क किया है, ये पढ़िए आपके दर्शक के लिए। दिस हैज बीन माई लाइफ, दिस इज माई स्टोरी, देयर आर मेनी अदर सीक्रेट्स, ओपिनियंस एंड सेंटिमेंट्स दैट आई मे और मे नॉट टेक टू माई ग्रेव, ओनली टाइम विल टेल। जजमेंट लिखना बहुत आसान काम है, क्योंकि एक जज का कोई पक्ष नहीं होता है, कोई ओपिनियन नहीं होता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। आयन कानून एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, इस पे जजमेंट बनता है। द इजिएस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, सबसे आसान काम जजमेंट लिखना। लेकिन किताब एंड पर्टिकुलरली एन ऑटोबायोग्राफी स्टार्टिंग फ्रॉम my childhood, say 1970, 50 years, compress it in 200 pages, remember 40-year-old incidents, difficult. ये last line जो सुधीर जी ने पढ़ के आपको सुनाया, इसमें सारे कहानी छुपा है। किताब लिखना कितना डिफिकल्ट काम है, कि मैं अपने पूरे 100 के 100 सीक्रेट्स या फैक्ट्स मैं आपके पास अभी नहीं लाया। बहुत वजह है, बहुत कारण है इसका, और ये फैक्ट्स कभी बाहर आएंगे नहीं आएंगे, आई कांट से। ये सवाल मैंने एक बार फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से भी पूछा था कि उनके पास भी बहुत सारे राज थे, बहुत सारे सीक्रेट्स थे, क्योंकि वो इतने पब्लिक लाइफ में इतने दिनों तक रहे, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, और आप भी एक ऐसी पोजीशन पर रहे हैं कि आपके पास भी सीक्रेट्स तो बहुत होंगे जो इसमें अभी आपने लिखे नहीं हैं। सो व्हाट हैपेंस टू दोज सीक्रेट्स, विल यू टेक देम टू योर ग्रेव और वी विल गेट टू नो अबाउट देम समडे? आई सेड इन माय बुक, ओनली टाइम विल टेल, समय ही बताएगा। किताब लिखने में हमको अपना स्टोरी लिखना है, अपने जीवन के इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना है, लोग जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है उनके बारे में लिखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारे कहानियाँ लिखने में इंस्टीट्यूशन को कोई डैमेज ना हो। द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। भला ही मैं सब कहानियाँ या सब राज या सब सीक्रेट्स पब्लिक डोमेन में ना लाऊं, लेट मी मेक दैट सेक्रीफाइस इन माई बुक, लेट माई बुक रिमेन इनकम्प्लीट जी, लेट मी बी डिससेटिस्फाइड, लेट मी बी हाफ सेटिस्फाइड, बट द इंस्टीट्यूशन कैनॉट बी हार्म्ड। दैट इज वाई किताब लिखना और जजमेंट लिखना दो अलग चीज़ें हैं। अब सिंस यू स्पोक अबाउट द इंस्टीट्यूशन, तो मैं अब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 101 पर ले जाता हूँ, वेयर यू हैव रिटन अबाउट द फेमस और इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया था। कुछ ने कहा कि आपने यू हैव एक्चुअली डैमेज द इंस्टीट्यूशन आज, और आपने लिखा है कि आप नहीं जानते थे जब आप वहाँ जा रहे थे कि ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पूरा मीडिया वहाँ होगा। आपको ये बताया गया था कि शायद कुछ 2-4 जर्नलिस्ट आ रहे हैं और उनसे बात करनी है। डू यू टुडे रिग्रेट दैट यू वेंट देयर एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप? नहीं, आई डोंट रिग्रेट, आई डोंट रिग्रेट फॉर अ मोमेंट, आई हैव नॉट रिग्रेटेड एनी डिसीजन और एक्शन टेकन बाय मी इन लाइफ। यू मे थिंक इट इज राइट, यू मे थिंक इट इज रॉन्ग, when I take a decision, I stick by it. Press conference
जो 12 जनवरी 2018 में हुआ था, 12 जनवरी 2018, माई डिसएग्रीमेंट विथ इट इज नॉट मीटिंग द प्रेस एंड स्पीकिंग टू द प्रेस, लेकिन द साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस. मुझे ये बिल्कुल ही महसूस नहीं था कि इतने लोग, इतने प्रेस के मेंबर्स, इतने वैन्स, इतने कैमरास आएंगे. इफ आई हैड नोन, मैं जाता, लेकिन मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाता. आई वुड हैव डिबेटेड विद इन माई सेल्फ. जब ये कहा गया मेरे को लेट अस गो एंड मीट द प्रेस, माई अंडरस्टैंडिंग एंड परहैप्स आई एम रॉन्ग, माई अंडरस्टैंडिंग वॉज सुप्रीम कोर्ट में 20-25 प्रेस मीडिया लोग हमेशा आते हैं, 2 प्रेस लाउंज है, उन्हीं में से कोई आएंगे, थोड़ा बातचीत होगा, चाय पानी होगा, चले आएंगे. लेकिन इस तरह का कॉन्फिडेंस ये मैंने एनविसाज नहीं किया था. इट वॉज नॉट इन माई ए, बट आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई फील दैट वी वर फुल्ली जस्टिफाइड. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर बार 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 उनके 4 सीनियर जजेस टेल हिम कि आप जब PIL केसेस एलोकेट करते हो, डोंट गो बाय हैफ़ज़र्ड एलोकमेंट्स, सीनियरिटी के आधार पे केस बांटो. और कई बार कहने से भी ये नहीं हो रहा था. तो क्या करते हैं? हमारे कोई दूसरा, देयर वाज, वी थॉट देयर वाज नो अल्टरनेटिव. बट मान लीजिए जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और आपके को ब्रदर्स, आपके ब्रदर जजेस अगर आपके खिलाफ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो आपको कैसा लगता? और क्या आप चाहेंगे कि ये ट्रेडिशन एक वन ऑफ इंसिडेंट बन के ख़त्म हो जाए, या आप चाहते हैं कि ये आगे भी होना चाहिए? इस सुधीर जी, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस. एक बार ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया एंड इसके कारण किस वजह से हुआ, once it becomes known, I think everybody, every chief justice will be careful. This is the moral of the story, this is the success. कि उनके अगर 5 जजेस जाके उनको कहेगा कि आप ये मत कीजिए, आप ही करोगे, बट ये ऑल्टरनेट एक है, ये सोच लो, ये ऑल्टरनेट भी कंसिडर हो सकता है. सो फार एज द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, आई थिंक, I hope and I am confident that there will be no second occasion for this. Ab kabhi nahi hoga. Nahi. Abhi the institution has come to a good understanding. There is effective mere tenure mein there was wide effective consultation. Ye sab baatein koi arbitrary, my powers, I will exercise it, I will not listen to you. Ye sab hum log sab milke karte the. Ranjan ji, what makes you special and different from others is that you gave very big judgments in your tenure. Aur un judgments ki baat to hogi jisme sabse bada judgment ko lekar baat aati hai, Ayodhya ke judgment ko lekar. 150 saal purana vivad jiske bare mein har judge ne, har bench ne yahi socha ki humse jo aage aayega wo sochega, wo hum abhi kisi tarah se isme se nikalte hain. Aapne usko, you took it head on aur aapne ye socha ki ek deadline rakhe ki isko niptana hai. आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं आप उस जजमेंट को लेकर, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि देश को भी विश्वास नहीं हुआ था कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर का मामला कभी सुप्रीम कोर्ट से निपटेगा निकट भविष्य में. ऐसा लगता था और 50 साल तक इस पर चुनाव लड़े जाएंगे. सुधीर जी, मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, आई एम सरप्राइज्ड कि मैंने क्या किया. मैंने एक केस डिसाइड किया, अयोध्या. ये केस काफ़ी वॉल्यूमिनस था. हाई कोर्ट का जजमेंट 4000 पेज प्रिंटेड, 4000 पेज का 4 वॉल्यूम्स में आया. इससे, इस बुक से कहीं बड़ा, इस बुक तो 200 पेज, 200 पेज का. हाई कोर्ट का जजमेंट 4000 पेज का है, 4000 पेज जजमेंट विच वॉज चैलेंज्ड. जो एविडेंस था, ओरल एविडेंस, 14000 पेज का था. डॉक्यूमेंट्स
12-13 हज़ार पेज का था। ये डॉक्यूमेंट संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, इस भाषाओं में था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स थे विच वर एडमिटेड इन एविडेंस। ये केस मेरे को सौंपा गया मेरा प्रेडिसेसर दीपक मिश्रा। उन्होंने रिटायरमेंट के पहले जुडिशियल ऑर्डर 28 या 29 अक्टूबर 2018 में ये फिक्स कर दिया केस। तो मैंने केस कहीं से निकाल के फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज मैंने ना डाला नहीं, ये केस मेरे पास बाय ऑर्डर ऑफ माय प्रेडिसेसर हैड कम। या कह लीजिए ये डेस्टिनी थी कि आपके हाथ से होना था ये। अच्छा, डेस्टिनी अब शुरू होता है। मेरे सामने दो चॉइसेस थे, मैं छुप जाऊं या मैं इसको फाइट करूं। अब छुप जाने का तो आदत है नहीं, सो द ओनली वे, द ओनली ऑल्टरनेटिव इज टू फाइट इट। और हमने वही किया। एंड इस फाइट में एक ही प्रॉब्लम था कि मेरा रिटायरमेंट। लेकिन मैंने जब शुरू किया केस, मैंने अपना हिसाब किया और मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट इज़ पॉसिबल टू डू इट। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, लेकिन हम पांचों जज मिलके इस चैलेंज को ओवरकम किए और मेरे रिटायरमेंट के 10 दिन पहले इस केस का जजमेंट आ गया। आपके साथ जो बेंच में जजेस थे, क्या वो इस बात से कन्विंस थे कि आपके टेन्योर में रहते रहते इतने दिन में ये हो सकता है, या इनिशियली दे वर ऑल्सो वेरी डाउटफुल अबाउट द आउटकम? आई डोंट नो अबाउट दैट। नॉट फॉर अ मोमेंट एनी ऑफ माई ब्रदर जजेस, ये पांचों में चारों में बाकी, ये सवाल खड़ा नहीं किया था कि चीफ साहब ये केस हमने जो शुरू करने जा रहे हैं या शुरू किया, इस केस को हम आपके रिटायरमेंट के पहले हम ख़त्म कर सकेंगे? ये सवाल कभी किसी ने उनके बीच में किसी ने ये रेज नहीं किया। हम सब अपना जो काम करना था एज पर लॉ एंड प्रोसीजर, हियरिंग शुरू किया, हियरिंग कंडक्ट किए, केस क्लोज किए। आज लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। बाद में आरोप तो बहुत तरह के लगे, जजमेंट को लेकर दबाव था, प्रेशर था, आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए, या आपने कुछ अपने हिसाब से सोचा था। वॉज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू फॉर अयोध्या वर्डिक्ट? सुधीर जी, लेट अस अज्यूम दैट देयर वाज सम प्रेशर ऑन मी, लेट अस अज्यूम। व्हाट अबाउट द अदर 4 जजेस? बेंच को देखिए, बॉबडे साहब जो सीजीआई होके अपना टेन्योर कंप्लीट कर गया है, चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई बनने जा रहे हैं 22 सन फॉर 2 इयर्स, लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द बेंच, प्रेजेंट सीजीआई, नेक्स्ट सीजीआई, नेक्स्ट सीजीआई एंड 2 सीनियर मेंबर्स। गोगोई को आप इन्फ्लुएंस कर लिए, इन बाकी चारों को क्या किया? जजमेंट तो गोगोई का नहीं है, जजमेंट तो बेंच का है। बाकी चार को क्या हुआ? गोगोई ने कुछ जादू किया? अज्यूमिंग गोगोई के ऊपर आपने कुछ जादू किया, या आप वो चारों को भी जादू किया, चारों को इन्फ्लुएंस किया? तो आपने जो भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया ना, दैट इज नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये सब बात नहीं कहना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन के लिए, दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, दिस ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट इन द हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस जजमेंट के बाद एक बात मैं बड़ी अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि आप अपने ब्रदर जजेस को ये पूरा जजमेंट देने के बाद आप एक होटल में ले गए और आपने वहाँ पर साथ में डिनर किया, और लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि ये एक सेलिब्रेटरी डिनर था, उस दिन आपने सेलिब्रेट किया। उसके बारे में आप हमें बताइए कि ये डिनर जो आप लेकर गए अपने ब्रदर जजेस को उस दिन, वो क्या था? ये अयोध्या हियरिंग 6 अगस्त को शुरू हुआ और जजमेंट आया 9 नवंबर को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट
3.5 months. ये पांचों जज स्पेंड नियरली 10 hours टुगेदर एवरी डे, सवेरे 10 से शाम 6-7 बजे तक कोर्ट और चेंबर में, बीच बीच में वीकेंड्स में डिस्कशंस. ये जब जजमेंट खत्म हुआ, जब जजमेंट्स प्रोनाउंस हो गए, तो हमने कहा चलो आज काम नहीं करते हैं. एवरी डे वी वर्क वेरी हार्ड, इंडिविजुअल जजेस रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहे. काम खत्म हुआ, चलो आज ब्रेक लेते हैं, आज शाम को काम नहीं करते हैं, कल सैटरडे है, कोर्ट नहीं है, जजमेंट आ जाएगा, या जजमेंट है कल नेक्स्ट डे. हाँ, ये फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे है, कल जजमेंट आ जाएगा, चलो आज बाहर चलते हैं. इसमें और कुछ नहीं है, क्या सेलिब्रेशन करना है, व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट. आपके जो सवाल है और आप जो कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं, इस ये बोल रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहा है अयोध्या जजमेंट, इसमें देयर इज अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग कि पांचों जज वे कमिटेड टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग और अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, एंड वंस दे सक्सीडेड देयर देन दे सेलिब्रेटेड दैट. दीज आर रॉन्ग थिंग्स, दिस आर वेरी रॉन्ग थिंग्स, ये नहीं बोलना चाहिए. You did not like it. No. You see, हम individually मेरे पे आपको जो बोलना है बोलिए. अब बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं. ठीक है, आई टॉलरेट इट. आई डोंट लाइक इट, आई टॉलरेट इट. बट इंस्टीट्यूशन को नहीं बोलना चाहिए. दिस जजेस, अगर why the other four had come for dinner? If the fault lies with Gogoi in taking them to dinner, the fault lies also with them in coming to dinner. इसमें से चंद्रचूड़ साहब अभी CJI बनेंगे, बाकी जजेस के टेन्योर लेफ्ट इज लेफ्ट टू द, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल टेन्योर लेफ्ट. अब ये कैसा लगता है, हाउ डज इट लुक? आपने तो अब इस पे जजमेंट दे दिया, और ये 150 साल पुराना विवाद था. ये पूरा स्टडी करने के बाद क्या आज आप ये कहेंगे कि इट वॉज ओवर हाइप्ड, इसके अंदर इतना सब्सटेंस नहीं था जितना कि इसको प्रेस ने पब्लिसिटी दी, जितना कि इसके बारे में एक माहौल बनाया गया, जितना इसके बारे में चुनाव में इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, उतना सब्सटेंस इसमें नहीं था. एंड इट, मुझे लगता है कि इट माइट बी इनफैक्ट अ इजियर केस फॉर यू टू डिसाइड. देखिए सुधीर जी, आई थिंक फॉर मी अनडाउटेडली सो, और बाकी जजेस के लिए भी, ये अयोध्या केस वॉज जस्ट अनदर केस. इट वॉज अ बिग केस, बिग नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ और इश्यूज, बिग इन टर्म्स ऑफ साइज. जैसे आपको बताया 4000 पेज, 11,000 पेज, 13,000 पेज, इट वॉज अ बिग केस इन दैट वे. बट बियॉन्ड अ केस, बियॉन्ड बींग अ केस, देयर वॉज नथिंग, नथिंग एल्स. ये 500 साल पुराना मुद्दा है, 150 साल पुराना मुद्दा है, रिलीजन घुसे हुए हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, ये सब अगर जज के माइंड में आएगा कभी, इफ इट एवर कम्स टू द माइंड ऑफ द जज, वो डिसीजन नहीं दे पाएगा कि ये जज ये केस में, फलाना केस में ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, मैं अगर इस ढंग से डिसाइड करूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये होगा. ये कभी जजेस के माइंड पे नहीं आता है, बिकॉज जजेस एंड पर्टिकुलरली बाय द टाइम यू रीच द सुप्रीम कोर्ट, योर माइंड इज ट्रेन्ड टू थिंक इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मैनर. लेकिन इस केस में लोग कहते थे दंगे हो जाएंगे, देश जल उठेगा, कुछ भी हो सकता है इस देश में, एक नई तरह का बंटवारा इस देश के अंदर हो जाएगा, फॉल्ट लाइन्स आ जाएंगी अगर आपने कुछ भी ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो. एक डर लगता था कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि जब आप फैसला सुनाएंगे ना जाने क्या होगा उसके बाद. कभी ये प्रेशर आपके ऊपर भी लगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत है, एक शब्द इधर से उधर हुआ तो देश जल सकता है? यू नो सुधीर जी, इट फील्स वेरी नाइस व्हेन यू टेल मी ऑल दैट. आपने जो कहा अभी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा है.
ऐसा कोई कंसिडरेशन कि ये जजमेंट से दंगा होगा, देश टूट जाएंगे, ये इवन फॉर अ मोमेंट ये सोच में कभी नहीं आया। आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आया ये मैं नहीं जानता हूँ, बट नेवर फॉर अ मोमेंट अयोध्या वॉज एनीथिंग मोर देन अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज ओवर अ पीस ऑफ लैंड। अयोध्या पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो भी फैसला उस पर रहा होगा, उसने आपके सेक्युलरिज्म के जो क्रेडेंशियल्स थे, धर्मनिरपेक्षता का जो आपका था, उस पर ज़रूर डेंट लगेगा। ये आप ये लोगों ने कहा और आपने एक पक्ष के लिए फैसला दे दिया तो दूसरा पक्ष नाराज़, आपको ऐसा लगा कि आपने एक तरफ ये जो फैसला लिया उससे सेकुलरिज्म को लेकर लोगों ने आपको निशाना बनाया और एक पर्टिकुलर पार्टी जिसने इसे अपना मुद्दा बना रखा था उसके साथ आपकी निकटता को लेकर, उस क्लोजनेस को लेकर उसे इशू बनाया। कौन सा पार्टी? बीजेपी, जो कि राम मंदिर को बहुत जी सुधीर जी, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस, आप जानते हैं। यस, मैंने एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर घर में देखा। आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन, आई डिड नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन। कोई सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द जजमेंट, लोग कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, दुख होता है, मन में कष्ट होता है, लेकिन ये इंडिया का एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, आपके एक व्यूज है, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस इट। मेरा एक व्यू है, बट आई एम नॉट फ्री टू एक्सप्रेस दिस बिकॉज आई एम अ जज। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज जस्टिस फॉर द जज। आप पत्रकार हो, मीडिया पर्सन हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप वकील हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप एक्टिविस्ट हो, आप जजेस को ह्यूमिलेट करोगे, सिस्टम को कंडेम करोगे, लेकिन हमें चुप रहना है, इसीलिए हम जजमेंट्स के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, आई हैव मेंशन इन माय बुक, रिटायर्ड जजेस डू नॉट टॉक अबाउट देयर जजमेंट्स, दे ओनली अटैक द जजमेंट्स ऑफ अदर्स। आप देखिएगा राफेल में रिटायर्ड जजेस का क्या कमेंट आया, अयोध्या का रिटायर्ड जजेस में क्या कमेंट आया। तो इसीलिए जोकिंगली इन अ लाइटर वेन मैंने कहा, रिटायर्ड जजेस डोंट टॉक अबाउट द जजमेंट्स, दे ओनली अटैक द जजमेंट्स ऑफ अदर्स। करेक्ट, आपकी बात सही है। आपने राफेल का नाम लिया, राफेल भी आपके करियर में एक बहुत बड़ा केस माना जाएगा, और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को मिस कोट करके चौकीदार चोर है एक बहुत बड़ा नारा भी दे दिया था, जो कि आपकी कोर्ट में बाद में आया भी था, और शायद ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं भी कहा वो भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया, एंड इन अ वे दे वर ट्राइंग टू यूज यू। हाउ डिड यू फील दैट डे? नो, ट्राइंग टू यूज मी टू डू व्हाट और गेट व्हाट? इलेक्शन में राफेल का चौकीदार चोर है, और आप जानते हैं कि राफेल जो है वो बहुत बड़ा, देखिए आपने जो, हमने अयोध्या की बात की और राफेल की बात की, ये दोनों वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था। 2019 का चुनाव राफेल पे लड़ा जा रहा था, एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट अयोध्या एंड बाबरी ऑल्सो, तो बहुत कुछ चुनाव का आउटकम आपके हाथ में था। सुधीर जी, आप, मैं जब ये केसेस, मैं जब ऑफिस में था और इलेक्शन की ये इलेक्शन में राफेल और बबरी मस्जिद अयोध्या केस और इलेक्शन इश्यूज, ये मेरे को क्यों नहीं बताया आप पहले? Why didn't you tell me about these cases earlier? अभी क्या बोलने से क्या फायदा है? I should have known. भाई देखो सुधीर जी, तब आप मिलते ही नहीं थे किसी से। I know your gates were closed that time, and you hardly met any media people that time. That is on a lighter vein. Judge का, his religion, his language, his thinking is the law and the constitution of India. Election and politics and political parties, they are very important, obviously, in a democracy.
But these things don't come to the mind of the judge. Rafael, क्या था? मैं आपसे एक बात पूछूं. राफेल का जो मेन कंट्रोवर्शियल जजमेंट और जो रिव्यू में जहां पे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बी केयरफुल इन फ्यूचर, किसका जजमेंट है ये? किसने लिखा है ये? ऑथर कौन है? जस्टिस एस के कौन है? नॉट गोगोई. मेन जजमेंट इज बाय गोगोई. बोथ द जजमेंट्स आर यूनानिमस. मेन जजमेंट इवन जस्टिस जोसेफ रिव्यू पिटिशन में दो जजमेंट आया, एक संजय किशन कॉल, एक के एम जोसेफ. इवन जस्टिस जोसेफ हैज सेड रिव्यू शुड बी डिसमिस्ड. सो द रिव्यू शुड बी डिसमिस्ड इज यूनानिमस, राइट? देन व्हाई इज इट कॉल्ड माय जजमेंट? आपने कहा नहीं, लेकिन आप कहने जा रहे हैं ना कि लोगों में चर्चा है कि ये जजमेंट हैज फेवर्ड द गवर्नमेंट. यस. देन इज द जजमेंट ऑफ एसके कॉल व्हिच हैज फेवर्ड द गवर्नमेंट, नॉट माय जजमेंट. अरे तो गवर्नमेंट ने एसके कॉल को इंटरफेयर किया. बट डू यू थिंक यू हैड बिकम द पोस्टर बॉय दैट टाइम? और जो भी हो रहा था, आई डिड नॉट बिकम द पोस्टर बॉय. आई बिकेम द पंचिंग बैग. एंड यू नो व्हाई आई बिकेम द पंचिंग बैग? व्हाई? बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. Achha. Yes, sir. Did you ever feel this kind of... No, I am feeling now. I didn't feel then. I am feeling now. Achha. Yes. It's a big thing, what you are saying. Yes, I have said it. I have said it to you. I have not become the poster boy. Poster boys are not, cannot come from the Northeast. Punching bags. I am a punching bag of the judiciary. Aapko aisa kyun laga? On what basis you are making this allegation? Gogoi all the time. Ayodhya judgment, 5 judges ne likha. गोगोई जब गोगोई को फायदा हुआ, गोगोई ने गवर्नमेंट को हेल्प किया. राफेल ने यूनानिमस जजमेंट बाय 3, गोगोई ने किया. क्यों? व्हाट इज द लॉजिक? टेल मी व्हाट इज द लॉजिक? एक्सेप्ट दैट यू वांट अ पंचिंग बैग, एंड व्हाट अ इजियर पंचिंग बैग देन वन व्हिच कैनॉट गिव बैक. आई डोंट हैव एनीबडी इन दिल्ली टू सपोर्ट मी. आई हैव नो पॉलिटिशियंस. आई हैव नो फ्रेंड्स इन द जुडिशियरी टू सपोर्ट मी. Who will? Did you ever feel lonely because you are coming from Northeast? My book? No, I didn't feel lonely because I come from the Northeast. But I felt lonely, yes. This Northeast feeling has generated in me of late. And I think I'm fully justified in saying so. How will you fix it? That time will take care of itself. But I'm telling you one thing, Sudhirji, through your medium. Let the powers be, whether they are in the government or they are in parliament. Northeast needs special handling. Beyond that, I don't want to say. But treat Northeast with care, caution, with compassion, with understanding. This is not the way of doing it. No, what you are saying, it makes me feel very sad. And जो आप बात कह रहे हैं, अगर ऐसा इंप्रेशन है तो दिस इज वेरी, अदरवाइज व्हाई? टेल मी व्हाई अटैक आज 2 साल से. आई हैव रिटायर्ड. आई वेंट बैक फॉर टू लीड अ पीसफुल लाइफ इन गुवाहाटी. आई हैव बिल्ट अ न्यू हाउस देयर विद ऑल माय सेविंग्स. आई कुडंट. अटैक सोशल मीडिया अटैक, न्यूज़पेपर कॉलम्स देयर. एंड आई टोल्ड यू, आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो ये इंटरेक्शन, इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन जो भी आप कहिए, यू स्टार्टेड ऑन अ डिफरेंट नोट. नहीं तो क्या है बताइए. लुक एट योर मीडियाज एंड लुक एट द इमेजिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. सेक्सुअल हैरेसमेंट, राफेल, अयोध्या, राज्यसभा, दीज आर द 4 इश्यूज. आज 2 साल से इसको आप घिसे पीटे इसी पे लगे हो. यू कैन नॉट फाइंड द 5th इशू. व्हाई? या देयर हैज टू बी सम डिसेंसी समवेयर. थिंग्स हैव टू स्टॉप समवेयर.
right? Justice for judge. No, I can understand what you are saying. And as I said, this is sad कि आज आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है और इतना दुष्प्रचार हुआ. इनफैक्ट मैं आपकी बुक में ही कोट कर रहा हूँ. आपने लिखा कि आई शुड हैव रियलाइज द इनॉर्मस पावर ऑफ द मीडिया टू डू और अनडू, मेक और अनमेक. माई पैसिव रिस्पॉन्स इन द सिचुएशन वॉज परहैप्स ड्यू टू माई लैक ऑफ एक्सपोजर ऑन दिस फ्रंट. अब मैं लिख ही दिया तो और क्या बोलूँ. मीडिया की ताकत को आप समझ नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल. और फिर उसका शिकार हो गए. ये शिकार पार्ट आई डोंट नो, लेकिन मैं ताकत नहीं समझा. विक्टिम वो भी मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द मीडिया. एंड सुधीर जी, आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट पावर बिकॉज इट डजंट कंसर्न मी, इट डज नॉट बॉदर मी. माई रिग्रेट्स आर दैट बाय हर्टिंग अ मैन यू हैव हर्ट द इंस्टीट्यूशन. And that man held no less an office than the CGI. You have hurt the institution, you have damaged the institution. क्योंकि हमने देखा कि हमने और भी बहुत CGI इस देश में देखे हैं, और भी बहुत CGI हमने जिन्होंने देखे हैं, जिन्होंने और दूसरी बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली हैं, गवर्नर भी बने हैं, उन्होंने भी जजमेंट्स दिए हैं. बट आपको ऐसा लगता है कि किसी ने पिक एंड चूज किया और लगातार टारगेट किया? मेरे किताब में मैंने लिखा है, द अटैक इज सिलेक्टिव. Attack is selective, absolutely selective. Why? आप बताइए. मैंने बोला because I'm from the northeast, I cannot give a retort. इसीलिए. If I had the resources of organizing things for a retort, it would not have happened. I was too busy in doing my work till my last day. मैंने अयोध्या के बाद तीन जजमेंट्स दिए हैं. अयोध्या के बाद राफेल, सबरीमाला, रोजा मैथ्यू. रोजा मैथ्यू वॉज विद रिगार्ड टू द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू ब्रिंग मनी बिल्स, थ्रू मनी बिल्स ब्रिंग अदर लॉज. आई वर्क इन द लास्ट डेट. वॉज इट अ मिस्टेक? आई शुड हैव फंक्शन डिफरेंटली. I should have been more practical. मैंने लिखा है किताब में, I didn't understand the power of the media, and I don't want to understand anything because I'm not bothered. I have reached a stage of supreme indifference. आप कुछ भी बोल लो, it doesn't touch me. अब हम इस इंटरव्यू के आखिरी अध्याय पर आते हैं और बात उस इशू की करते हैं जिसने शायद आपको बहुत परेशान किया होगा, जिसने आपको शायद ये बुक लिखने पर भी मजबूर किया होगा, और जिसमें आपने आपको लगा होगा कि आपके साथ जस्टिस हैज नॉट बीन डन टू अ जस्टिस, दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस. और मुझे लगता है कि लोग उस मामले पर भी आपकी बात ज़रूर सुनना चाहेंगे, और आज आपके पास ये पूरा मौका है, मंच है बताने का कि उस पूरे केस में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई दैट यू आर वेरी पावरफुल, यू आर मिसयूजिंग योर पोजिशन. आप यू कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, और आपने जस्टिस होने नहीं दिया. ये एक इम्प्रेशन आपके खिलाफ क्रिएट किया गया. सो आप उसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? और आपने अपनी इंक्वायरी खुद ही की. इसका सवाल मैंने काफी मीडिया हाउसेस को इन द लास्ट टू डेज आई हैव गिवन. मेरे किताब में तीन सवाल मैंने किया. डिड आई प्रिजाइड ओवर माई ओन केस? वॉज द बॉबडे कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मी? वॉज द प्रोसीडियर फॉलोड, इन हाउस प्रोसीडियर फ्लॉड? एंड चौथा था, वॉज द री इंस्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय क्विड प्रो क्यो? मैं एक एक आपको सवाल का जवाब देता हूं. प्रिजाइडिंग ओवर माई ओन केस, एंड यहां पे एक्स वाई जेड हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग प्रिजाइडेड ओवर हिज ओन केस एंड गेव हिमसेल्फ अ क्लीन चिट. यस, 20 तारीख 28 अप्रैल का जो इन
सो मोटो प्रोसीडिंग्स हुआ, जिस प्रोसीडिंग्स में मैंने बैठा, वो ऑर्डर आप पढ़िए, बाद में पढ़िए, लेट योर रीडर्स रीड. ये ऑर्डर, इज इट एन इफेक्टिव ऑर्डर? इट इज़ एन एडवाइजरी ऑर्डर कि मीडिया प्लीज डू नॉट पब्लिश और बी केयरफुल इन पब्लिशिंग अनकॉरबोरेटेड र्यूमर्स. वेर इज द क्लीन चीट? किताब में एक वही चैप्टर में मैंने कहा, थ्रू हाइंडसाइट इट मे बी हैव बीन बेटर इफ आई डिड नॉट सिट ऑन द बेंच. ये मैंने माना. बट वेर इज द क्लीन चीट? वेर इज द प्रिजाइड ओवर द केस? नेक्स्ट इज, बहुत लोग रिटायर्ड जजेस ऑल्सो मेमोरियल लेक्चर्स में ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, गोगोई कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी विच विल डिसाइड द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम. मतलब गोगोई ने कमिटी का कंपोजिशन, कमिटी में कौन कौन बैठेगा, इसका निर्णय गोगोई ने किया. बहुत दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट कि इतना लर्नेड पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस. हमने किताब में दिखाया विद डॉक्यूमेंट्स कि 23 मई अप्रैल को मैंने बाय अ रिट लेटर आई हैड गिवन हैंडेड ओवर दिस मैटर टू जस्टिस बॉबडे द सीनियर मोस्ट जज, और उन्होंने विद द अप्रूवल ऑफ द फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजेस, यस कहने पे ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. 25 तारीख को ये कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ क्योंकि रमन्ना, जस्टिस रमन्ना वांटेड टू स्टे अवे. ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑल्सो वॉज अप्रूव्ड बाय ईच एंड एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन राइटिंग, और ये फुल कोर्ट का रेजोल्यूशन एक किताब में है, इट्स एन एनेक्चर. तो मैंने कॉन्स्टिट्यूट किया बॉबडे कमिटी. मैंने क्या किया सुधीर जी? मैंने बॉबडे को अपना सिर दे दिया और रस्सी भी दे दिया कि हैंग मी, बिकॉज ही इज द पर्सन हु वुड हैव बीन बेनिफिटेड मोस्ट विथ वन लाइन, देर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट जस्टिस गोगोई. ये बॉबडे ने अगर लिखता, बॉबडे वुड हैव गॉट 7 months मोर ऑफ टेन्योर. मैंने अपना नेक और बॉबडे साहब को दिया और रस्सी भी दे दिया, फांसी दे दो मेरे को. डिड आई कॉन्स्टिट्यूट दैट कमिटी? पढ़िए किताब, क्या बोल रहे हैं ये रिटायर्ड जजेस इन पब्लिक मीटिंग्स जहां लोगों तालियां तालियां. व्हाट इज दिस? बॉबडे कमिटी फॉलोड इन हाउस प्रोसीजर दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. इन हाउस प्रोसीडियर 1999 में बना, 21 साल आज 22 साल हो गया. ये है इज अ फेसेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कि कोई भी जुडिश एक जज के अगेंस्ट में कुछ इल्ज़ाम लगाए तो ये सीधा इंक्वायरी में नहीं जाता है. द जज विल बिकम डिमोरलाइज, द इंस्टीट्यूशन विल सफर. ये द जजेस देमसेल्व्स इन अ कमिटी विल डिसाइड इट. दिस इज इन हाउस इंक्वायरी. ये सारे प्रोसीडियर, no outsiders are allowed, no advocates are allowed. The sare procedure is there in black and white. And this procedure has held the ground for 20 years. Aap kya kehte hain? Ki nahi nahi nahi, Gogoi ke saath ye procedure nahi chalega. Aapke liye alag banega. Aapke liye, mere liye alag banega. Kahan se banega? Gogoi ke liye kanoon is different. Aapke liye kanoon is different. Why Gogoi? Bataiye. कानून आपको पसंद नहीं है, आप इनएडिक्वेट कानून, कानून बदल दीजिए. लेकिन जब तक कानून रहता है उसको यूनिवर्सली अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए कानून समान होता है. आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबी पहले से काम कर रही थी आपके अगेंस्ट? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी मुद्दा बनाते हैं, बाकी चीज़ों को भी मुद्दा बनाते हैं, आपने कभी बोलने नहीं दिया और इसलिए उन्होंने दे ट्राई टू हिट यू बिलो द बेल्ट? आई डोंट, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया. मैंने सभी लॉयर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया. कोई स्पेशली प्रिफर्ड वकील बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस और नेम,
कोई एक्स्ट्रा इंडल्जेंस मेरे कोर्ट में नहीं मिलता. इसका नतीजा, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर एंड आई डोंट केयर. ये चौथा सवाल मैंने जो ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट चैप्टर मैंने किताब में लिखा, रीइंस्टेटमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉई. दैट रीइंस्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉई वाज मेड ड्यूरिंग माय टेन्योर, नॉट आफ्टर माय रिटायरमेंट. आई सॉ दैट लेटर आल्सो इन योर बुक. यस, इट इज माय टेन्योर. लेकिन आई कुड नॉट हैव डेल्ट विद द मैटर. मैंने बॉबडे साहब को दे दिया, सीनियर मोस्ट जज, कि आप जो भी उचित ऑर्डर हो इसमें करो. बॉबडे साहब इज अ मैन ऑफ कंपैशन, उन्होंने रीइंस्टेट किया. अब मैं मैटर उनको हैंड ओवर करके मैं उनको सवाल करूं कि आप क्यों रीइंस्टेट किया. रीइंस्टेट किया बॉबडे साहब के विजडम में. आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन हिज विजडम. मैंने दो एम्प्लॉयज़ को समरीली डिसमिस किया था, अनिल अंबानी के केस में, फॉर्जरी केस में. बॉबडे साहब ने उनको भी रीइंस्टेट किया. ये कहीं नहीं आया, वो रीइंस्टेटमेंट कहीं नहीं आया. एक छोटा सा टेलीग्राफ में आर्टिकल आया, ये रीइंस्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेडलाइन न्यूज. क्योंकि इसको आपके खिलाफ माना गया कि वो रीइंस्टेट जो हुआ वो आफ्टर रिटायरमेंट हुआ. हाँ, तो एलिगेशन क्या था उसका? मतलब है कि आप गलती पर थे और वो जो एम्प्लॉय थी वो सही थी. कंपैशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यू थ्रो आउट कंपैशन आउट ऑफ द विंडो, एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम टोटली लाइफलेस. एक मैं आपसे एक इमोशनल सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने अपनी बुक में भी लिखा है, यू आर अ फैमिली मैन. व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड एंड व्हेन यू केम होम दैट डे, हाउ डिड यू फेस योर फैमिली एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? एंड दिस इज अ क्वेश्चन नॉट टू अचीव जस्टिस ऑफ इंडिया, टू अ ह्यूमन. परहैप्स दैट इज वन ऑफ द मेमोरीज दैट आई विल टेक टू माय ग्रेव. यू कैन, यू आर अ फैमिली मैन. मेनी ऑफ योर व्यूअर्स आर फैमिली मैन. Let them answer that question for themselves. How a family man would feel. It was horrible. It was terrible. But I have to live with it. And I am living with it even today. और क्या आपने जो टाइटल रखा जस्टिस फॉर द जज, वो यहीं से प्रभावित है? नहीं, नहीं. It is a bad experience. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इस एक्सपीरियंस के वजह से ये टाइटल दिया गया. ये टाइटल दिया गया, इट हैड अ रोल, इट हैड अ रोल. मैं नहीं कहूँगा कि इसका रोल नहीं है, बट नॉट दी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी. ये जस्टिस मैं नहीं मांग रहा हूँ फॉर द जज, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. जस्टिस मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मेरे साथ जस्टिस आप नहीं कर सकते. इट इज़ ओवर. जस्टिस करो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जजेस. वॉट आई हैव बीन थ्रू, लेट देम नॉट गो थ्रू. अदरवाइज दे विल ऑल शाय अवे फ्रॉम डूइंग देयर ड्यूटीज एंड डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर. लास्ट चैप्टर, जब आपने राज्यसभा की मेंबरशिप ली, उस समय भी बहुत आलोचना हुई. जब आप अपना ओथ ले रहे थे राज्यसभा में, लोग हूटिंग कर रहे थे और कह रहे थे शेम. आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं लेना चाहिए था? और आपने बुक में लिखा है कि आप अपने स्टेट के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए आप पार्लियामेंट में आए. लेकिन जब आपका रिकॉर्ड हम देखते हैं तो उसमें ये भी आता है कि आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आपने पार्टिसिपेशन भी कुछ किया नहीं. तो अभी तक आपका जो भी टेन्योर है, एक तरीके से आपके स्टेट के लिए शून्य रहा है. यू आर राइट, यू आर 100% राइट. माई नॉट गोइंग और गोइंग टू द पार्लियामेंट in the recent past is mainly on account of COVID. दो session में letter of absence मैंने chairman साहब को लिखा that I will not be attending. So far as acceptance of nomination is concerned, even if I were to have some regret at some point of time, even if, don't misquote me, with the attack being made, I am determined. Sudhir ji, attacks do not make me frightened. They do not cow me down.
आई नो व्हाट आई एम डूइंग. अगर मैं राज्यसभा मेंबरशिप ना लेता और ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बनता तब भी अटैक होता कि नहीं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स का तो परंपरा है, परंपरा है. अगर लॉ कमीशन का चेयरमैन लेता तब भी होता. चार महीने बोले कूलिंग ऑफ, चार महीने के बाद ले लिया. एक साल के बाद लेना तो सही था, चार महीने के बाद लेना था नहीं. जब लोग बोलना चाहते हैं कुछ भी बोलेंगे. It is a facet of what is commonly understood to be a facet of democracy. आप जो भी मन में आए बोल दीजिए. लोगों ने कहा ये पुरस्कार है, रिवॉर्ड है आपका. किस चीज़ का? कि आपने you have been pro government, you have been pro Modi maybe. Okay, now we come back to the question. What about the other judges? They are also pro Modi. Did I sit alone and deliver any judgment? तो मैंने क्या मजिक किया बताइए? अगर मैं पांच जजेस को ऊपर मैजिक करके उनको मेरे आई कुड मेक देम एग्री टू माई लाइन ऑफ थिंकिंग, तो मैं ये जो मेरे को क्रिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर मैं मैजिक नहीं चलाऊं कि तू भी आ जा मेरे साथ? बताइए. तो सर, हम एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने पूरी बुक पढ़ी और आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू जस्टिस विद दिस इंटरव्यू, क्योंकि बिना तैयारी के आपके साथ आ नहीं सकते थे. तो सारे इश्यूज हमने कवर किए, बट ऐसा लगता है कि अभी भी आपके जीवन को पूरी तरह से इसमें हमने देखा नहीं है. व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? दैट टाइम विल टेल. बट यू हैव नॉट कम टू इंटरव्यू मी, यू हैव कम टू मीट रंजन गोगोई. नॉट अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, रंजन गोगोई हु हैपन टू बी अ फॉर्मर चीफ जस्टिस. नहीं, आप यकीन मानिए, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मेरे मन में ये था कि आई एम गोइंग टू मीट माय लॉर्ड. लेकिन जब आपको मिला और जब ये इंटरव्यू, और मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक भी देख रहे होंगे आज, उनका एक नया परिचय हुआ होगा. नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, बल्कि रंजन गोगोई द ह्यूमन बीइंग. आई डोंट नो वेदर आई हैव ह्यूमैनिटी और ह्यूमन एलिमेंट्स इन मी, बट आई एम व्हाट आई एम. एंड आई टेल योर व्यूअर्स, I would at any day prefer to lead a quiet life than a noisy life. A quiet, peaceful life, which perhaps is not in my destiny. Yeah, ऐसा हो सकता है because. तो आजकल क्या करते हैं आप? मैं बहुत कुछ करता हूँ. और आजकल क्या करता हूँ ये भी आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो मेरे को पूछा. Nobody is interested in what I am doing now. Everybody is interested कि मैंने क्या किया, ये गलत क्यों किया, ये गलत क्यों किया. मैं अभी आर्बिट्रेशन नहीं करता हूँ. अच्छा. मैं कभी कभी गलती से दो चार ओपिनियन दे देता हूँ. आई अर्न समथिंग फ्रॉम देम. क्योंकि आप राज्यसभा से भी पैसा नहीं लेते? नहीं, आपने बुक में लिखा है यू आर नॉट ड्रॉइंग योर सैलरी एज एमपी. आई एम डूइंग नॉट ओनली सैलरी, आई एम नॉट इवन ड्रॉइंग एनी अलाउंसेस. माई पेंशन इज नॉट इनफ. So I give opinions, that too selectively, one in 3 months, keeps me going. I am, in Assam, I am interacting and meeting with people who are doing a lot of social work. Okay. And I like institutions which are doing social work. And social work like of all kinds, you know, helping people to acquire skills to earn a living, biklang bachche, mentally challenged bachche, institutions which are running crèches, ambulances, or mera jo bhi meager earnings hai from my opinion, whenever it is possible I am making donations. People from different walks of life, not connected with politics or law, come and meet me, mostly in Delhi, whenever I am here. Very few in Assam. एक अजीब सा उनमें इच्छा है जुडिशरी के बारे में जानने के लिए कि ये जुडिशरी कैसे फंक्शन करता है. ये तो सब जानना चाहते हैं. क्यों हमारे सिस्टम में केसेस के डिस्पोजल नहीं होते हैं?
क्यों हमारे सिस्टम में केसेस सालों के साल पेंडिंग रहते हैं, क्यों हमारे केसेस हमारे देश में कन्विक्स और अंडर ट्रायल्स साल महीना साल जेल में रहते हैं, क्यों उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, क्या सलूशन है इसका, ये सब सवाल पूछते हैं मेरे से। मुझे अच्छा लगता है इनसे बात करने में। आई टेल देम दे आर सिंपल पीपल, नॉट कनेक्टेड, नो एजेंडा, दिस इज हाउ आई स्पेंड माई टाइम। एंड आपने जो कहा, आखिरी सवाल मैं लोगों के लिए भी पूछ लेता हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, और ये सवाल CJI से नहीं, रंजन गोगोई से है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन है? इस सवाल का जवाब मैं इस ढंग से दूंगा, करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी। करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ, और जजेस डोंट ड्रॉप फ्रॉम हेवन। Does it answer your question? Partially. But maybe we'll wait for your next book for this. Sudhir ji, it's not very easy writing a book. I took 1 year, 3 months to write this. I told you. Let me see what response I get to the book. Thank you so much, sir. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें लगता है कि रंजन गोगोई से लोगों का परिचय जरूर हुआ होगा और उन्हें अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। टू ऑल योर व्यूअर्स नमस्कार। थैंक यू सो मच।